हेलो एंड वेलकम टू की फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छोटे बच्चे जन्म के बाद से कब तक चीज़ों को समझना शुरू करते हैं और कैसे माता पिता इसमें उनकी मदद करके उस छोटे से बच्चे को और ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बच्चे क्या जानते हैं और कितना जानते हैं। किसी भी नए माता पिता से आप अगर ये पूछें कि क्या उन्हें लगता है कि उनका बच्चा औसत से अधिक स्मार्ट है, और आपको जवाब का अनुमान लगाने के लिए ब्रिलियंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेकिन उस मासूम से दिखने वाले चेहरे के पीछे एक मानसिक शक्ति का निर्माण हो रहा होता है। जीवन के पहले वर्ष में एक नवजात शिशु का मस्तिष्क उस दौर से बढ़ता है जिसे विस्फोटक के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है। डॉक्टर वाल्टर मॉल्स की चीफ पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एट बेत इसराइल हॉस्पिटल इन न्यूयॉर्क, इन्होंने एक अर्ली शो के इंटरव्यू में राष्ट्रीय संवाददाता ट्रेसी स्मिथ को यह रिपोर्ट दिया था कि 0 से 1 साल तक के बच्चे का मस्तिष्क अपनी अंतिम वृद्धि का लगभग 60% बढ़ता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे होशियार भी हो रहे हों। ये सिर्फ इतना है कि हम अडल्ट जो ऑलरेडी बच्चे जानते हैं उसके बारे में अधिक सीखते रहते हैं। बच्चे हमेशा से ही बहुत स्मार्ट होते हैं। इंटरनेट पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें स्मार्ट बच्चे को अद्भुत से अद्भुत चीज़ें करते हुए दिखाया गया है। लेकिन कुछ टीचर्स के अनुसार, लाइक ग्लेन डोमेन के अनुसार, बच्चे सब कुछ कर सकते हैं। लाइक उन्होंने बताया था कि इन्फेंट्स कैन बी टॉट टू डू एब्सोल्युटली एवरीथिंग। शिशुओं को बिल्कुल सब कुछ करना सिखाया जा सकता है। कई पीढ़ियों से साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर्स का ये मानना था कि छोटे बच्चे इरेशनल, ईगोइस्टिक और लॉजिकली सोच नहीं सकते। फिलोसोफर जॉन लोकी का ये कहना था कि छोटे बच्चे का दिमाग एक कोरा कागज होता है, तो साइकोलॉजिस्ट जेम्स विलियम का ये कहना था कि छोटे बच्चे एक ब्लूमिंग बजिंग कन्फ्यूजन में रहते हैं हमेशा। आज भी बहुत से लोग छोटे बच्चे को देखकर यही सोचते होंगे कि इसके दिमाग में बहुत कुछ तो नहीं चल रहा होगा। हालांकि और बहुत से छोटे बच्चे जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा जानते, ऑब्जर्व करते, एक्सप्लोर, इमेजिन एंड सीखते हैं। कभी कभार तो वो एडल्ट से भी ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हैं। बच्चे किसी इंसान की बातों में सुनाई देने वाले शब्दों को पास कराने के लिए लेटर्स के स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए समय के साथ वो इस अंतर को समझने लगते हैं कि प्रिटी बेबी सुंदर बच्चा है, ना कि प्रिटी एबी। जब कोई इंसान आँख से संपर्क करता है तो शिशु निर्देशित तरीके से बोलता है, जैसे कि, और शिशु इस बिहेवियर के लिए आकस्मिक रूप से रिस्पॉन्ड भी करता है। इन परिस्थितियों में शिशु विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि वयस्क व्यक्ति क्या कहता है और क्या करता है। इस प्रकार सोशल सिचुएशन पर विशेष ध्यान देते हैं जिसमें वयस्क के इरादे उनको कुछ नया सिखाने का होता है। एग्जाम्पल इसमें बात करना, गाना गाना हो सकता है। शिशु अपने वातावरण में होने वाली नियमित घटनाओं को याद करके किसी भी घटना का स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी को अनुमान कर सकते हैं। एक स्टडी में 11 महीने के बच्चे को केवल थोड़े बहुत सफ़ेद गेंदों के साथ लाल गेंदों का एक बॉक्स दिखाया गया जिसमें लाल गेंदें भरी हुई थी। जब बॉक्स को पलटा गया और उनमें से सारे सिर्फ सफ़ेद गेंदें निकली, तब बच्चे हैरान रह गए क्योंकि बॉक्स में लाल गेंदें ज़्यादा थी सफ़ेद गेंदों के तुलना में। तो बच्चों को ये आश्चर्य हुआ और उनके रिएक्शन में ये देखा गया कि वो बहुत शॉक्ड रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लाल गेंदों से भरा हुआ बक्सा जिसमें थोड़े बहुत ही सफ़ेद गेंदें थी, जब वो पलटा तो उसमें से सिर्फ सफ़ेद गेंदें निकली। लेकिन उसी स्टडी में जब कोई व्यक्ति उस बॉक्स के पास जाता है तो गेंद निकालने से पहले जब वो बॉक्स की तरफ झुक के देखता है और सिर्फ सफ़ेद गेंद को निकालता है, तब बच्चे उतने हैरान नहीं रहते क्योंकि वे समझ गए थे कि वयस्क को केवल सफ़ेद चुनने के लिए वहाँ भेजा गया था। जैसे जैसे बच्चे अधिक सीखते हैं वो अपने आसपास की दुनिया को और ज़्यादा समझने लगते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक स्टडी में ये पाया गया है कि केवल 4 महीने में शिशु स्पीकर के मुंह के आकार और उनके चेहरे की गति जैसे दृश्य संकेतों को समझ लेते हैं। इसके अलावा 6 महीने से कम उम्र के बच्चे वयस्कों की तुलना में अलग अलग भाषाओं की आवाज़ों में बहुत बेहतर अंतर कर सकते हैं, लेकिन ये केवल जीवन के पहले 6 महीने तक रहता है। यही सुझाव देते हैं कि कई भाषाओं को आसानी से लेने की क्षमता होती है बच्चे में, किसका उपयोग करना है और किसका उपयोग नहीं करना है। सेल बायोलॉजी में प्रकाशित एक स्टडी में ये पाया गया है कि 2 साल के बच्चों के व्यवहार की नकल करने की अधिक संभावना होती है। अगर उसके 3 या उससे ज़्यादा फ्रेंड एक से विपरीत दूसरे का व्यवहार है तो वो भी उसको कॉपी करने लग जाता है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्मार्ट बने और अच्छा खाए, अच्छी नींद ले और सॉफ्ट और काइंड हार्टेड बने, तो उसे अच्छे खाने वाले, अच्छे व्यवहार वाले दोस्तों के साथ घेरे रखें। एक और रिसर्च जो कि ब्रिंगम एंड यूनिवर्सिटी में किया गया था, उसमें ये पाया गया है कि बच्चे गुस्से में कुत्ते की भौंकने और दोस्ताना कुत्ते की आवाज़ को सुन के उनकी फ़ोटोज़ की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा कुत्ता खतरनाक है और कौन सा फ्रेंडली है।
पारंपरिक ज्ञान हमें यह बताता है कि जब तक बच्चा कम से कम एक वर्ष का नहीं हो जाता तब तक बच्चे वस्तुओं और उनके नामों के बीच का संबंध नहीं बनाते हैं। लेकिन ये पता चला है कि लगभग 6 महीने की उम्र से बच्चे समझना शुरू कर देते हैं इससे पहले कि वो बोल सके। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स ने बच्चों के शरीर के अंगों की तस्वीर दिखाई जब वो अपने माता पिता के साथ रिसर्च लैब में मौजूद थे और उनको आंखें कहाँ हैं जैसे प्रश्न पूछे। शिशुओं ने किसी भी अन्य बॉडी पार्ट्स की तुलना में लंबे समय तक मुंह के सामने वाले भाग को देखा। ये सुझाव देते हैं कि वे वर्ड्स का मीनिंग जानते हैं। अपने स्मार्ट बच्चे से बात करने का ये एक और अच्छा कारण हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए पहले ये माना जाता था कि छोटे बच्चे को बहुत ही लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि ग्रेविटी एंड सॉलिड ऑब्जेक्ट्स है इनके बारे में। बट टाइम टू टाइम हुए स्टडीज में ये पता चला है कि बच्चे एक खिलौने कार को ज्यादा टाइम तक घूमते रहे जो कि एक सॉलिड वॉल के आर पार हो जाती है। जो चीजें फिजिक्स के नियम को तोड़ती हैं बच्चे उन ऑब्जेक्ट्स को ज्यादा देखते हैं, जैसे कि एक ठोस कार जो कि दीवार के इर्द गिर्द आ जा सकती है उसको बच्चे देख के ज्यादा हैरान होते हैं, ना कि जो चीजें जो कि फिजिकल लॉ के हिसाब से चलती हैं। तो अब तक हमने जाना कि बच्चे काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं जितना हमने अब तक सोचा था उससे कहीं ज्यादा। अब चलिए हम जानते हैं कि आप एक स्मार्ट बच्चे की परवरिश कैसे कर सकते हैं। सो ऐसा करने के लिए आपको सोशल ट्रेनिंग या टूल की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपके बच्चे को सीखने के लिए बस आपका और आसपास की दुनिया की ज़रूरत होती है। जब आप अपने बच्चे को उनकी सबसे बेस्ट स्टार्ट देने के बारे में सोचते हैं तो इन पॉइंट्स का ध्यान ज़रूर से रखें। फर्स्ट, प्रेगनेंसी के दौरान अपना ख्याल रखें। आपके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट तब शुरू होता है जब वे गर्भ में होते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन और स्मोकिंग, ड्रग या अल्कोहल का उपयोग जैसी चीज़ों से बचने से आपके बच्चे को अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान नियमित स्वास्थ्य देखभाल समय से पहले प्रसव को रोकने में मदद कर सकती है जो बच्चे की ब्रेन को अफेक्ट कर सकती है। सेकेंड, अपने बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करें। आपने साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में तो सुना ही होगा। उसके पिरामिड के निचले भाग में खाना, पानी और शेल्टर जैसी चीज़ें होती हैं। पिरामिड के टॉप पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्म साक्षात्कार होते हैं। पिरामिड के पीछे का विचार यह है कि किसी का हाईएस्ट पोटेंशियल और पर्पस को पाने के लिए निम्न स्तर की जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए जो कि है खाना, पानी एंड शेल्टर। यह आपके बच्चे पर भी लागू होता है। अपने ऑप्टिमम ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए उन्हें खिलाने, साफ करने और गर्म करने की आवश्यकता होती है। जब तक इन बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक वे अपनी पूरी क्षमता हासिल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए सोने की तैयारी में उन्हें खिलाने या गले लगाने में लगने वाला समय वेल स्पेंड टाइम होना चाहिए। नेक्स्ट है साथ खेलना। अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए समय निकालना आपके बीच एक ऐसा बॉन्ड बनाने में मदद करता है जो कि एक फाउंडेशन रखता है अदर रिलेशनशिप्स को मजबूत करने के लिए। प्लेइंग एक इम्पॉर्टेंट सोशल इमोशन होता है जो कि कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर का प्रैक्टिस है जिससे बच्चे और ज़्यादा शार्प एंड स्मार्ट बनते हैं। यह इम्पॉर्टेंट है कि इस इम्पॉर्टेंट टाइम को नेग्लेक्ट ना किया जाए, यहाँ तक कि सबसे छोटे नवजात शिशुओं के साथ भी। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छी नींद को इनकरेज करें। यादों को मजबूत करने के लिए अधिक ज्ञान प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। हर उम्र में नींद महत्वपूर्ण है लेकिन ये शिशुओं के लिए विशेष रूप से आवश्यक यानी कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनका दिमाग बढ़ता रहता है और जानकारी को प्रोसेस करता रहता है, इसीलिए उनको अच्छी नींद लेने के लिए इनकरेज करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड न्यूट्रियस ऑप्शंस। ऑप्टिमल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे को राइट न्यूट्रिएंट्स मिले। जीवन के पहले वर्षों में उनमें से मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स ब्रेस्ट मिल्क से आते हैं। आप ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपका छोटा बच्चा फ्रीक्वेंटली वो दूध पी रहा है और उसको एनफ न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, और जैसे जैसे वो फूड को कंज्यूम करना शुरू करेगा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वैरायटी ऑफ फूड से उनके प्लेट सजे हुए हैं ताकि वो हर एक ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स ले पाए जिनकी उसकी बॉडी को नीड है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपने बच्चे से बात करें। भाषा बहुत मायने रखती है। आपके बच्चे की वोकैबुलरी को अच्छा करने वाले वर्ड्स को जोड़ने में इसमें मदद मिलती है, और स्टडी से ये पता चला है कि आपके बच्चे के साथ बार बार बात करने से लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग नंबर जैसे एबिलिटीज बढ़ती रहती हैं। अपने बच्चे के साथ अक्सर पॉजिटिव बातचीत करने का प्रयास करने से होलिस्टिक डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट होने की संभावना होती है। बेहतर व्यवहार, कम चिंता और मजबूत सेल्फ कॉन्फिडेंस सभी बातचीत से विकसित हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट टॉयस। खिलौने आपके बच्चे को नए स्किल्स में मास्टरी हासिल करने में मदद कर सकते हैं। विकास की दृष्टि से जरूरी खिलौने को चुनकर आप अपने नन्हे मुन्ने को एक उचित चैलेंज दे सकते हैं। अपने खिलौने के साथ खेलने के बहुत से नए तरीकों में मास्टरी हासिल करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस, अवेयरनेस एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्क्रीन टाइम से बचें।
कई स्टडीज ने छोटे बच्चों में स्क्रीन टाइम को मस्तिष्क के डेवलपमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालने से जोड़ा गया है। नतीजतन अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक ने 2016 में ये सिफारिश की थी कि 18 महीने के कम उम्र के बच्चे वीडियो चैटिंग के अलावा अन्य स्क्रीन टाइम से बचें। 18 महीने के बाद AAP ये रेकमेंड करती है कि केवल हाई क्वालिटी वाले प्रोग्राम से बच्चे को दिखाई जाए और 2 से 5 साल के बीच उस हाई क्वालिटी प्रोग्रामिंग के स्क्रीन टाइम को प्रतिदिन मैक्सिमम 1 घंटे तक लिमिटेड करने का सुझाव दिया जाता है। और यहाँ पे आता है हमारा लास्ट पॉइंट जो कि है मैनेज योर एक्सपेक्टेशन। पर्टिकुलरली इन वेरी अर्ली स्टेजेस में आपके बच्चे को अपने स्किल्स को सुधारने के लिए काफ़ी टाइम की ज़रूरत होती है। आप ये मत भूलें कि वो सिर्फ एक छोटे से बच्चे ही तो हैं, इसीलिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें और उनके हर छोटे अकम्पलिशमेंट को सेलिब्रेट करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपने आज ये सीखा है कि छोटे बच्चे जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो समझदार होते हैं। आप भी अब थोड़ा सा एफर्ट लगाइए और उनकी मदद करते रहिए इस पूरे प्रोसेस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।